हेलो स्टूडेंट, टुडे डिस्कस डायरेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना। ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। अब हम याद कैसे रखें, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करो आपका फेस हमेशा कहाँ रहेगा, नॉर्थ में, और बैक आपकी साउथ में रहेगी। राइट हैंड रहेगा हमारा ईस्ट में और लेफ्ट हैंड का रहेगा वेस्ट के अंदर। अब इसके एंगल के बारे में सुनिए। आप सपोज वेस्ट में हो, वेस्ट से आप नॉर्थ में आ गए तो इस डायरेक्शन से आप यहाँ पहुँच गए तो ये 90 डिग्री आपने मूव कर लिया। और ये कैसे, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जैसे है हमारी राइट बोले तो क्लॉकवाइज, ओके, ये क्लॉक हमारी ऐसे मूव करती है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अब आप वेस्ट से और ईस्ट में पहुँच गए तो आप कितना डिग्री, 180 डिग्री, ओके 180 डिग्री। उसके बाद में आप वेस्ट डायरेक्शन से साउथ में पहुंच गए तो ये कितना हो गया, 270 डिग्री, 270 डिग्री। आप वेस्ट में थे और क्लॉक वाइज वेस्ट में पहुंच गए तो कंप्लीट एंगल बन गया 360 डिग्री का। तो ये यहाँ देखिए, ये यहाँ था, आप यहाँ थे, यहाँ पहुंचे 180 पे और यहाँ पहुंचे 270 पे और यहाँ कंप्लीट पहुंच गए 360 पे। और राइट बोले तो आप हमेशा क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ओके। और राइट और लेफ्ट का फंडा और समझिए आप अच्छे से। आप मेरा पांव वाला हथेली, हथेली वाला भाग देखिए और ये नेल्स वाला देखिए, ओके। आपको वेस्ट में ऐसे हाथ को करना है ऐसे, ओके, ऐसे देखिए ऐसे। उसके बाद में ये जो वेस्ट है, वेस्ट के जो हथेली वाला भाग है ये तो हमारा राइट हो जाएगा और जो नेल्स वाला वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। अब इसको ऐसे घुमाइए, ऐसे ऐसे घुमाया हमने, ऐसे देखिए। तो ये हमारा जो हथेली वाला भाग है ये राइट हो जाएगा और नेल्स वाला क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। तो इधर तो लेफ्ट हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, राइट। देखिए इधर इधर हथेली वाला है तो ये राइट हो जाएगा और उस तरफ क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। अब इसको ऐसे घुमाइए, ईस्ट की तरफ घुमाया ईस्ट में, तो हमने क्या किया, ये तो हमारा राइट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। इससे ज़्यादा आप मत घुमाइए, वैसे आप सपोज करिए, नहीं तो हाथ टूट भी सकता है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप, तो ये टोटल 8 डायरेक्शन के बारे में सुनिए, 8 डायरेक्शन के बारे में। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो हमने बताया था फेस हमारा नॉर्थ में रहेगा, बैक हमारी साउथ में रहेगी, राइट एंड ईस्ट में रहेगा, लेफ्ट एंड वेस्ट में रहेगा। तो इनके बीच की जो डायरेक्शन होती है वो होती है नॉर्थ ईस्ट। क्या होती है, नॉर्थ ईस्ट, आप याद करना इसको अच्छे से। और उसके इनके बीच की जो डायरेक्शन होती है उसको बोलते हैं साउथ वेस्ट, नहीं साउथ ईस्ट, सॉरी साउथ ईस्ट। और जो इनके बीच की होती है इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, और इनके बीच की बोलते हैं साउथ वेस्ट। और जो ये एंगल होते हैं 45 डिग्री के होते हैं, कंप्लीट बनता है 360 डिग्री का। तो 45 के हमारे कितने एंगल बनेंगे, 8, तो कंप्लीट कितना हो गया, 360 डिग्री का, ओके। अब आप इसको समझिए, आप नॉर्थ डायरेक्शन में थे और क्लॉकवाइज आपने क्या किया, नॉर्थ ईस्ट में पहुंच गए तो आप कितने मूव हुए, 45 डिग्री। और आप नॉर्थ से ईस्ट में पहुंच गए तो कितने, 90 डिग्री, 45 90। और उसके बाद आप नॉर्थ से कहाँ पहुंचे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करूँ, राइट मूव करना है। आप नॉर्थ से आप पहुंच गए कहाँ पे, साउथ ईस्ट में, तो 135 डिग्री, ओके। आप नॉर्थ से साउथ में पहुंच गए तो 180 डिग्री। आप नॉर्थ से और क्लॉकवाइज यहाँ पे साउथ वेस्ट में गए तो 225 डिग्री। और आप नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वेस्ट में गए तो आप पहुंच गए 270 डिग्री। और आप नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट में पहुंचे तो आप 315 डिग्री। और आप नॉर्थ से फिर नॉर्थ में आ गए तो 360 डिग्री आपने कवर कर लिया, ओके। तो मैंने ये 4 डायरेक्शन हमारी मेन होती है, इनके बारे में लेफ्ट और बता दिया आपने। ये हमारा जो हैंड है ये हमने वेस्ट पे रखा, और वेस्ट पे जो हमारा पाँव वाला है उसको हमें क्या करना है, राइट करना है। तो मैंने इसको राइट किया, और नेल्स वाला इधर, नेल्स वाला है जो मैंने इसको क्या किया, लेफ्ट किया। अब इसको हमने ऐसे मूव किया, ऐसे करना है, क्लॉकवाइज ऐसे करना है ऐसे। तो हमने क्या किया, जो हमारा पाँव वाला ही राइट हो गया और उधर नेल्स वाला लेफ्ट हो गया। फिर आपने ऐसे घुमाना है तो हथेली वाला राइट हो गया और नेल्स वाला लेफ्ट हो गया। फिर ऐसे से ज़्यादा मत घुमाइएगा आप, ओके। उसके बाद में आपको ऐसे सपोज करना है, ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा, ओके। तो ये थी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बातें। अब एंटी क्लॉक की बात करेंगे, तो एंटी क्लॉक हमारी, एंटी क्लॉक ऐसे घूमती है, ऐसे उसके अपोजिट होती है। तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट की क्या करेंगे, तो आप ऐसे ही वेस्ट में रखेंगे, नहीं आप इसको ईस्ट में रखना ऐसे, ओके, ऐसे रखना। तो इसमें क्या करेंगे, तो इसके अंदर अगर एंटी क्लॉक की बात करें, एंटी क्लॉक की, तो हम क्या करेंगे, तो हमारा जो राइट था वो लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट था वो राइट हो जाएगा। तो हमारा जो ये
पाम वाला है, एंटी क्लॉक की बात कर रहा हूँ, ध्यान सुनिए एंटी क्लॉक की, तो ये वाला हमारा हो जाएगा लेफ्ट और नेल्स वाला क्या हो जाएगा राइट। ओके, फिर ऐसे हम इस डायरेक्शन में गए नॉर्थ वाले में, तो ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा, उधर वाला राइट। ओके, तो एंटी क्लॉक में क्या करना, उसके अपोजिट हो जाएगा, जो राइट था वो लेफ्ट और लेफ्ट था वो राइट। ओके, अब क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, इसके हम क्वेश्चन फर्स्ट बेसिक स्टार्ट करते हैं। ईस्ट बिकम साउथ सेम कंडीशन फाइंड नॉर्थ बिकम, नॉर्थ क्या बन जाएगी। अब देखो हमारे ईस्ट के बारे में बता, जो ईस्ट है ना वो हमारी साउथ बन जाती है, तो ये हमारी ईस्ट है, तो ये क्लॉकवाइज चली ऐसे, ये क्लॉकवाइज चली ना ऐसे, तो ये ईस्ट ये साउथ बन गई, साउथ आ गई। तो नॉर्थ के बारे में बताना है, तो ये भी हमारा 90 डिग्री यहाँ हुआ, कितना हुआ 90 डिग्री, तो इसको भी आपने सेम कंडीशन और क्लॉकवाइज 90 करना है, तो नॉर्थ से हम इस पे जाएंगे तो 90 इधर हो जाएगा, तो ये वाली क्या है, तो आंसर हम आ जाएगा ईस्ट बन जाएगी, क्या बन जाएगी ईस्ट। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, साउथ बिकम ईस्ट, साउथ है वो हमारी क्या बन जाती है ईस्ट बन जाती है, तो साउथ हमारी ईस्ट बन जाती है, तो ये क्या हुआ एंटी क्लॉक हुआ ना एंटी क्लॉक। उसके बाद सेम कंडीशन फाइंड द, ये हमारा सेम कंडीशन नॉर्थ के बारे में बताना है, ये हमारा साउथ से ईस्ट पे गया वो 90 डिग्री गया, एंटी क्लॉक वाइज गया ऐसे गया, तो उसके बाद नॉर्थ बताना है, तो नॉर्थ हमारा एंटी क्लॉक ऐसे चलती है, ऐसे चलती है एंटी क्लॉक, तो यहाँ से पहुंच जाएगी हमारी 90 डिग्री एंटी क्लॉक ऐसे ऐसे जाएगी ना, तो नॉर्थ से बताना है, नॉर्थ से बताना है एंटी क्लॉक 90 डिग्री, तो हमारे क्या आ जाएगा वेस्ट डायरेक्शन, समझ आया वेस्ट डायरेक्शन। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, नॉर्थ बिकम ईस्ट, हमारी नॉर्थ है वो क्या बन जाती है ईस्ट बन जाती, तो ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज हुआ 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ओके, एंड वेस्ट बिकम साउथ, वेस्ट नहीं वेस्ट बिकम नॉर्थ, वेस्ट हमारी नॉर्थ है ये वेस्ट है, तो ये क्लॉकवाइज चल रही है ऐसे, तो ये भी क्लॉकवाइज ऐसे हमारी ये हो गई इधर, यानी क्लॉकवाइज है ना ये ऐसे क्लॉकवाइज। उसके बाद सेम कंडीशन यही क्लॉकवाइज ही 90 डिग्री वाली, फाइंड साउथ क्या बन जाएगी, अब साउथ वाली हमारी साउथ से हम स्टार्ट करेंगे, तो इधर जाएंगे एंटी क्लॉक, हमें क्लॉकवाइज चलना है तो क्लॉकवाइज चलेंगे, तो ये क्या बन जाएगी इधर जाएगी ऐसे इधर, ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो क्या बन जाएगी वेस्ट, क्या बन जाएगी वेस्ट बन जाएगी। ओके, तो कैसा लगा वीडियो, लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। ओके, थैंक यू।